हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग हैं भिवंडी पड़गा तलोली गांव में अयान राइस मिल पर और अताउद्दीन गोट फार्म पर। हमारे साथ है असिल भाई। असिल भाई स्क्रीन पे नहीं आएंगे, ठीक है? जो भी सवाल है हम लोग इनसे करेंगे, जवाब ये हमको स्क्रीन के पीछे से ही देंगे, ठीक है? ये इनकी फैक्ट्री है, अयान राइस मिल। यहाँ पर जो राइस का जो फिल्टरेशन का जो काम होता है, जो भी होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे होती है। और ये इनका छोटा सा सेटअप है जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं जो कि इनको देने हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग बात करेंगे असिल भाई से और जानेंगे इनकी डिटेल्स वगैरह क्या होगी। असिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असिल भाई, हम लोग एग्जैक्टली तलोली गाँव के अंदर है। अयान राइस मिल बहुत फेमस है। हम लोग ने बाहर नाके पे ही पूछा, लोगों ने बराबर हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और अभी अताउद्दीन गोट फार्म जो है, ये अयान राइस मिल जो आपके बड़े लड़के का नाम है अयान, और अताउद्दीन जो है वो छोटा लड़का है, तो उसके नाम से आप ये गोट फार्म का ये आपने सेटअप किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो असिल भाई, ये वीडियो में हम लोग कितने बच्चे दिखाने वाले हैं? 25 बच्चे पूरे टोटल। 25 है? 25 बच्चे इसमें, ठीक है। इसमें कौन सी ब्रीड है? इसमें गुजरी है, तोतापुरी है, जेपी है, बीटल है, सुजत है। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब इसमें ज़्यादातर मतलब सब मिक्स ब्रीड है, बहुत बढ़िया। और सबके सब बच्चे हैं? सबके सब बच्चे। क्यों सब बच्चे ही लाए वो, मतलब क्या ट्रेनिंग का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शौकिया तौर पर। जैसा भी ये बच्चे निकल जाएंगे तो हम लोग और दूसरे बच्चे लाने वाले, हाँ, ऐसा भी है। मतलब राउंड द ईयर पूरा साल ये काम अपन करते रहते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर है या पहले से? ये पहले दूसरा साल है, पहले भी आपने ये काम किया? ठीक है, ओके भाई। वो बकरों को वहाँ से इधर ले लेना ना थोड़े। ये है अयान भाई, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, अभी ये फेमस होने वाले हैं, अताउद्दीन भाई, माशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो पूरे टोटल 25 बच्चे हैं, इसमें असिल भाई, ये जो बच्चे हैं क्या एज में, क्या कितने महीने से कितने महीने तक के हैं टोटल? इसमें उनका एज का ऐसा है क्या, 7 महीने से लेके ये 12 महीने तक है बच्चे। 7 महीने से 12 महीने तक, हाँ। मतलब इसमें कभी कुछ बकरे दो दांत करने वाले होंगे, करने वाले हैं, और एक आध दो हो भी गए शायद। ओके, सही है। इसमें गुजरी कितने हैं मैं देख रहा हूँ, एक और दो, तीन गुजरी है, तीन और अंदर दो, अंदर दो बड़े हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जेपी भी है, सोजत भी है, मेवाती भी है, बहुत सारी ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मिक्स है, ठीक है, सारी इंडियन ब्रीड्स है, ठीक है। इसमें कितने महीने से बताया आपने? 7 महीने से। 7 महीने से 12 महीने तक के बकरे हैं इसके अंदर, ठीक है। माशाल्लाह, बकरे सारे फिट एंड फाइन है। इनको वैक्सीनेशन वगैरह दे दिया आपने? कंप्लीट है इनका, सब दे दिया, PPR, FMD वगैरह, ETT वगैरह सब दिया है, ETT है, वो सब दिया हुआ आपने, माशाल्लाह, क्या बात है। थोड़ा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, बकरों को उस तरफ लो ना, थोड़ा उस तरफ लो ना। ये बकरे जो बच्चे हैं अपने पास कब से है भाई? अभी 2 महीना है। 2 महीना है, मतलब अपने पास मुंबई क्लाइमेट में भी बकरे सेट है, 2 महीने से यहाँ पर है। अनाज वगैरह अपन क्या डाल रहे हैं इनको, क्या खिला रहे हैं, ताकि अगर कोई खरीदे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अनाज में ऐसा है, एक टाइम लोग अनाज खाते हैं शाम में, उसमें मक्का है, जौ है, गेहूँ है और चना चुन्नी। मक्का, जौ, गेहूँ और चना चना चुन्नी, फर्स्ट टाइम वो लोग तुअर और हरी पत्ती, फर्स्ट टाइम सुबह में, मतलब मॉर्निंग में तुअर और हरी पत्ती देते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। अगर कोई ये पूरा लॉट बोलता है, अगर चाहिए हो किसी को तो भी दे दोगे आप? दे दूंगा, है ना, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे जो सबसे मेन टॉपिक है, प्राइसिंग, लोग जिसका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। प्राइस हम लोग क्या रखने वाले हैं? समीर, अपने पास ऐसा है कि 15,000 से 30,000 तक बच्चे हैं अपने, ये पूरे लॉट में 15,000 से 30,000 तक के बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि 25 बकरे हैं, हम लोग एक एक बकरा नहीं बता सकते, इस वजह से ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि 15,000 से
25,000 तक के बकरे इसके अंदर है इस लॉट में। अब बकरे आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा कि 25,000 का कौन सा बकरा हो सकता है, 15,000 का कौन सा बकरा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है डिलीवरी का वो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो होंगे इसमें एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है असिल भाई, जो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आप करवाओगे कि ऑल इंडिया कहीं पे भी करवा दोगे? जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पर करवा दोगे, लेकिन उसके चार्जेस जो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक क्लोज लुक देते हैं हम लोग बकरों का आपको। ये देखिए जेपी में है, माशाल्लाह बकरों की क्वालिटी आप देखिए। ये मेवाती फुल प्लेफुल है माँ, ये देख, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पंद्रह हजार से 25,000 तक के बच्चे इसके अंदर है। बाद में जो बकरे अपन ने दो जो बकरे बाहर निकाले वो भी उसी में है। ठीक है, मतलब उनका ऐसा नहीं है ना बाद में निकाले रेट ज्यादा हो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो हम लोग है आयान राइस मिल के इसी कंपाउंड में ही, ये सामने जो आप देख रहे हो इसका नाम ही है आयान राइस मिल। और गोट फार्म का नाम क्या बताया? अताउद्दीन गोट फार्म। ये है अताउद्दीन, ये है आयान, ये है राइस मिल। हम लोग यहाँ पे तलोली गांव में हैं। ठीक है, बहुत फेमस है, आपको कोई लैंडमार्क कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप तलोली गांव पर बस आपको आना है, वहाँ से आप किसी को भी पूछोगे तो आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ का बता दिया जाएगा। ठीक है, वैक्सीनेटेड जानवर है, सारी वैक्सीन इनकी हो चुकी है। बकरे यहाँ पे 2-3 महीने से है, मतलब ऑलमोस्ट ईद के टाइम से यहाँ पर है। जी जी। तो मुंबई क्लाइमेट में प्रॉपर सेट है। बकरों को क्या क्या अनाज दिया जाता है वो भी हम लोगों ने बता दिया आपको, ताकि अगर आप लेते हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और नंबर मैं स्क्रीन पे आपका ही देना है असिल भाई। मेरे दो नंबर, हाँ असिल भाई का नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो आप लोग इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पर आए बकरे देखे और लेकर जाए। ठीक है, तो वीडियो क्लोज करें असिल भाई। जी, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।